लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो और साथ ही मातृ शक्तियां घर से निकलकर इस पर्व को सशक्त भागीदार बने, जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए लोकसभा निर्वाचन में अपने अमूल्य मताधिकार का शत प्रतिशत प्रयोग कर राष्ट्र को लोकतंत्र को सफल बनाने में महिलाएं अपनी शत प्रतिशत भागीदारी निभाएं, इस उद्देश्य से रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों महिलाओं ने हाथों में मतदान जागरूकता संबंधित तख्तियां लेकर मतदाताओं से 19 मई को मतदान की अपील किया। मातृ शक्ति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष खुशबू गुप्ता के नेतृत्व में शास्त्री चौक से निकाली गई रैली शहर मुख्य चौराहे से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर समाप्त हुई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मातृ शक्ति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष खुशबू गुप्ता ने कहा, गुप्ता सर मतदान जागरूकता अभियान के तहत हम लोगों ने रैली निकाली है। अक्सर ये होता है कि वोटिंग का परसेंट महिलाओं का बहुत कम होता है, ये घरेलू महिलाएं हैं जो सब इकट्ठा होकर अपील भी कर रही हैं और साथ में वोट डालने की विनती भी कर रही हैं कि आप सभी वोट करें, धन्यवाद। कहाँ से कहाँ तक निकलना है सर? हम लोगों ने यहाँ शास्त्री चौराहे से लेके पूरा रेती चौक के बाद फिर घंटाघर, फिर इधर यहाँ पे लाके कोतवाली के बाद मेडिकल, ये सदर हॉस्पिटल, वहाँ से समापन कर रहे हैं टाउन हॉल पे।